गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आज है सैटरडे, आज है रिदा की पीटीएम और अनदर ईयर गॉन बाय। रिदा हैज कंप्लीटेड फर्स्ट क्लास, बाकी रिजल्ट मिलेगा तो पता चलेगा, बट हाँ आई एम श्योर शी वुड हैव कंप्लीटेड बिकॉज शी इज वन ऑफ द ब्राइट चाइल्ड्स इन द स्कूल एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो अभी बस जा रहे हैं रिजल्ट लेने, मैं तैयार हो गया हूँ ऑफिस अटायर में ही, क्योंकि मैं वहीं से निकलूँगा ऑफिस इन लोगों को वापस छोड़ के। बस फिर पूरे दिन ऑफिस में बढ़िया तरीके से निकलेगा, तो दिखाते हैं, सब तैयार व्यार हो रहे हैं एंड वी आर रेडी टू लीव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मैडम? हो रही है तैयार। ब्लैक दे दुर्गा ब्लैक, ऐसे शीशे वाले शॉर्ट काफी लोग लेते हैं ना। क्या शीशे वाले शॉर्ट? शीशे में कितनी देर लगेगी तुम्हें? बस 5 मिनट्स। दैट्स गुड। रिदा इज आल्सो रेडी टू गो टू अ स्कूल, एक्साइटेड। पता क्या लगता है क्या होगा तुम्हारा किसी बम्बा का क्या रिजल्ट आएगा? केजी में भेज देंगे ऐसे। केजी में जाएगी ना? अजय फर्स्ट के बाद केजी तो आती है। फर्स्ट के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद थर्ड आता है, थर्ड के बाद फोर्थ आता है, फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ आता है, सिक्स्थ के बाद सेवंथ आता है, सेवंथ के बाद एट्थ आता है, एट्थ के बाद नाइन्थ आता है, नाइन्थ के बाद टेंथ आता है। और ये हो गया हमारा स्कूल पूरा 2 सेकंड में। टेंथ में, टेंथ के बाद आता है इलेवंथ आता है, और इलेवंथ के बाद आता है ट्वेल्थ, और ट्वेल्थ के बाद हमें सीधा कॉलेज में भेजा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। कल नहीं लिया मैंने शॉट, आज भी इसी में ही आया। मम्मी कल आ गई थी तो मैं कल मम्मी को बोल के मैं कहे वो कर लूं, मैं कहे सूट पहनूंगी, और देखो आज लिया गया वो। मैंने कहा आप लोग जाओगे इसके बाद नाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा रहा ट्रिप आपका? मेरा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, रश बहुत है। अच्छे से दर्शन हो गए? दर्शन अच्छे हो गए हैं, रश बहुत है वहाँ पे। हाँ, भगवान जी की दया रही, अच्छे हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये दीदा आपके लिए टमाटर और ककड़ी। अब दादी को दिखा रही है। गाइस, मैंने कल दादी के लिए कुछ बनाया था, देखा ये मैंने, ये तो निकला हो जाइए फिर दादी। वेलकम वेलकम। हाँ, दादी जो इसने फैशियल मसाज की के वो मजे आ गए। आज आप भी दादा दो, आपका भी कुछ हो रहा है? आपका ये खाना है मेरा आज का। हाँ। बहुत सारे लोग ये, अच्छा तुमने इसलिए लगा लिया कि टमाटर थोड़ा अलग दिखेगा, चश्मे इसलिए लगा लिए? हाँ। हाँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्यों ये वो कर रहे हो कि दिस इज नॉट गुड, ये वो फलाने का। यू वांट टू से समथिंग टू एनीबॉडी? नहीं, आई डोंट वांट टू से, सबके अपने विचार हैं। मेरे को ठीक लगता है, मेरे को बॉडी से टॉक्सिन निकालने होते हैं हर 6-7 महीने में, तो मैं कर लेता हूँ, तो उस वजह से है बस, और कोई नहीं है। अगर अपने आपको पेन दे रहा होता तो बात थी, पर ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। 6-6 महीने में हो जाता है ये, तो बस कर रहा हूँ, और कोई इशू नहीं है। बट इस बारी तो वेट भी नहीं जा रहा है, एक च्युइंगम गलत खाई और कल एक बादाम जो गलत चले गए अंदर। सो आई हैव लेफ्ट और मेरा बना हुआ है बनाना शेक, तो एक बॉटल बनाना शेक पीऊँगा। इसमें गए हैं 2 केले और 1.5 ग्लास दूध, बट माला दीदी ने जरा बादाम भी डाल दिया इसमें, उनको पता नहीं था, नॉर्मल मेरे उसमें शेक में जाते हैं बादाम, तो उन्होंने बादाम भी डाल दिए, विच इज़ अगेन सेकंड मिस्टेक दैट वी हैव डन। कल एक च्युइंगम खाली थी और अभी ये बादाम की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ अंदर चला जाएगा जो मैं नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, चलो दैट्स ओके। थोड़ा थोड़ा इतना भी एडमेंट और रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, कुछ चला गया तो चला गया गलती से, है ना। अब मैं लेके आया हूँ 5 केले और 1 ग्लास दूध, आज हो जाएंगे टोटल मतलब 7, और 2.5 कप दूध मेरे अंदर चला जाएगा शाम तक। फिर घर आके 2 केले और खा लूँगा। आज टोटल बेसिकली 8 से 10 केले खाने हैं और 3 ग्लास दूध पीना है। ठीक है, चलो मीट यू गाइस लेटर, बाय बाय, टेक केयर। नहीं बट फेस से चला गया, फेस से चला गया, बट वेट पर ही नहीं आ रहा। ये भी देखना, आज शाम तक चला जाएगा, चला जाएगा। तो अंदर चर्बी ना हिल रही है बेचारी। हाँ, जो 6 महीने की है ना चर्बी जो अंदर। अच्छा, डाइजेशन। हाँ जी, वो हिल रही है, वो हिल रही है, बड़ी डाइजेशन आई है। शाम तक आपका हो जाएगा वेट कम, 4-5 नहीं होगा तो 3 तो हो ही जाएगा। ओके, पर मैं बिना डाइट के मैं 75 पे आ गई हूँ, ये देख लो। ठीक है, वेरी गुड। और देखो मेरी बच्ची का फेवरेट फूड टमाटर, कपड़ों पे मत गिरा लेना बस। बस यही डर लग रहा था मुझे। बाय 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 दक्षी, बाय दित्वी, टेक केयर। चलो रिदा, पापा का ऑफिस है। मम्मा, मैं प्राची को दे रही हूं। हाँ हाँ ठीक है, चलो खेलो आप लोग।
हेलो बॉयज, हेलो, हो गया? आर यू हैप्पी? कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। यस यस, बच्चे जा रहे हैं हमारे सेकंड में। आओ, आप कहां उधर को जा रहे हो? बॉयज, आ जाओ, कम इन द फ्रेम। वी आर हैप्पी, वी आर वेटिंग फॉर द पार्टी। मेन इन ब्लू, हां, आप लोगों की बेटियां गई हैं। द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर द पार्टी। हमने तो सारा साल देखा है, इतनी पार्टी तो हम डिजर्व करते हैं कि हमने सेकंड में ले आए। चलो मिलते हैं जल्दी, हां, नेक्स्ट वीक बनाते हैं। ठीक है, कांग्रेट्स ईशा, गुड न्यूज इज कि इनका सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जिसका हमें थोड़ा स्ट्रेस था कि इनका सेक्शन चेंज हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। So we are happy. Together this year as well. Yeah. Hello. So, अभी हम आ गए हैं गाड़ी में। Congratulations, Rida. Thank you. For going in to class two with your friends. प्लेट, अच्छा इसलिए मांग रही थी, रुको, I'll just give it to you. तो रिदा का हो गया है जी क्लास टू में एडमिशन। एडमिशन मतलब चली गई है क्लास टू में, और सेठी साहब अभी हमें छोड़ेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी उषा मासी के घर जाना है इन लोगों ने, क्योंकि आज है पार्ट उनके, ईयर हैज पास्ड, 11 मंथ्स में होता है। सो लास्ट ईयर आप सबको पता है उषा मासी पास्ड अवे, और आज उनका वरीना है, तो अभी वहीं पे जाएंगे बस हम लोग। So I'll drop them and then I'll leave for my office. हाँ, पर राहुल ऑलरेडी लेट हो गए हैं बहुत, तो बस he'll go to office and लेट हो गए हैं बहुत। मैंने मतलब ऐसा लगता मुझे कि मैंने भी जब बोला ना, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि तो लेट हो गया है हमारा लड़का, ऐसे क्यों नहीं बोला, मतलब इतनी इज्जत जमी नहीं हुई कभी हमें। हमने शुरू से कभी ऐसे नहीं करे, एक्चुअली वी वर कलीग्स, वो उस तरीके का लहजा और ऐसे बात करने वाला वो कभी रहा ही नहीं, वो शुरू से ही ऐसे फ्लाइंग में से। तो मोटी बात ये है, दूसरे की इज्जत कभी करी नहीं, खत्म हो गई बात। मोटी बात ये नहीं है, मोटी बात ये इज्जत नहीं करेगा, इज्जत नहीं करी ना मैंने इसकी, ना इसने मेरी, खत्म हो गई बात। शुरू से हम कलीग रहे हैं, हम फ्रेंड्स हैं। मैं थोड़ा, आई वाज जस्ट पुटिंग इट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, ओके? नहीं, देयर इज नो नीड टू पुट थिंग्स इन सोफिस्टिकेटेड। या लेट्स पोर्ट्रे देम द वे शुरू से, और ऐसे चलता आ रहा है। तो बस अभी जा रहे हैं हम, और उसके बाद हम जाएंगे घर। फिर रिदा का पेपर का भी चल रहा है भाई, वो भी तैयारियां चल रही हैं, 24 को एग्जाम है, बस अभी वो एग्जाम रह गया है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मम्मी और आएंगे अम्बाला से या मैं जाऊंगी अम्बाला, वो दैट इज नॉट क्लियर येट, विल सी। तेरी बख्श न मिटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम ते आए न सुख फल पाए न, आठ पहरे आराधे। आपको पता है कि गाइस के मंकी के बम्प इतने लड़की होते हैं, इसके कुछ एक्स्ट्रा ही लाल थे, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बहुत मारती होती है उसके बम्प पे, मंकी के बम्प पे बहुत मारती है मम्मी उसकी। तो हम आ गए हैं वापस, और रदा गई है सो, बिकॉज शी इज़ वेरी टायर्ड, रात को भी डेट सोई थी और सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, तो आते ही वो सो गई। और मैं अभी खा रही हूँ सैंडविच और पी रही हूँ चाय, मुझे लगी हुई है भूख बहुत जोरों से, शोरों से अभी आके व्लॉग एडिट किया था, व्लॉग अपलोड किया है, तो शांति से थोड़ा बैठ के खाते हैं। तो रिदा हमारी सोई थी 5:30 बजे, 10:15 सो रहे हैं, उठी नहीं है अभी तक। और सेठी साहब आ गए हैं वापस। हेलो सेठी साहब। हेलो जी, हाउज इट गोइंग? गोइंग गुड यार, गोइंग गुड, वेट कम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लेंज हो रही है बॉडी? हाँ, वो है एक फायदा, इतने टाइम इतना खाया भी है ना उल्टा सीधा, ठीक हो जाएगा। मैं सर यूके जाने की तैयारी कर लूंगा, खींच लूंगा 81-82 पे आ जाऊंगा, फिर मेंटेन कर लूंगा, बट भागना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, बट भागेंगे। ठीक है, अब 1-1.5 महीना कोशिश करेंगे कि भाग जाएंगे। तुम्हारी उंगली भी पूछ रहे थे लोग,
उंगली यार, बाकी सारी इतनी इतनी मूर्ति है, ये इतनी मूर्ति है, तो ये भी कर रहा हूँ, हाथ में मूव कर रहा हूँ, बट वही है टाइम लगेगा सब चीज़ों में हो जाएगी। चलो ठीक है।